नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। नहीं भा रही है पटवारी की नौकरी, 15 लेखपालों ने भी दिया इस्तीफा। वहीं डीएसपी का भाषण, कोई घूस मांगे तो 1,064 पर काल करे, 1 घंटे बाद खुद 80,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार। वहीं 18 को मिलेगा विचाराधीन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। वहीं चयनित अनुपस्थित शिक्षकों से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण, जो स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे उनका वेतन भी काटा जाएगा। वहीं नव नियुक्त शिक्षकों के अभिलेखों का जल्द होगा सत्यापन। शिवशंकर, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में सदस्यों पर भी होगी चर्चा। आपको बता दें कि कन्नौज में 12 शिक्षक बुधवार को अनुपस्थित रहे। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे तक उपस्थिति ली जाएगी। बिना कारण अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों का वेतन काट लिया जाएगा। नवनियुक्त 1,054 में 12 शिक्षक गैरहाजिर, कारण बताओ नोटिस भी जारी है। वहीं माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त विद्यालय में 3,000 लिपिकों की होगी भर्ती। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त स्कूलों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए जल्द ही 3,000 लिपिकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि बुधवार शाम भर्ती को लेकर विभाग की ओर से इस संबंध में की गई तैयारी की समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के कुल 4,502 सहायता प्राप्त स्कूलों के लिपिक के 3,000 से अधिक पद खाली हैं। अभी तक विभाग की सहमति से विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा की जाने वाली इन भर्तियों में अनियमितता की शिकायत के बाद अब इस पर विराम लग जाएगा, क्योंकि भर्ती अब एग्जाम के द्वारा हो जाएगा एंट्रेंस, तो लिखित एग्जाम द्वारा अभी इन पदों पर भी भर्ती होगी। 20 जनवरी तक भरे जाएं टीजीटी के पद, हाईकोर्ट ने कहा। अपठनीय दस्तावेजों की टाइप प्रति भी हाईकोर्ट में करे दाखिल। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री के ट्वीट पर आज अभ्यर्थी ने रीट्वीट किया, जिस पर लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द कोई नोटिस जारी करे, जिससे कि 60-65 का जो मानक पार करने वाले शिक्षकों का भी मनोबल जो टूट रहा है ना टूटने पाए, शिक्षा की गुणवत्ता से वो विश्वास बन सके। क्योंकि 105 प्लस मार्क्स होने के बावजूद भी किसी वजह से जो गुणांक हैं, जैसे 0.01 से आज वो अध्यापक पद से अचयनित हैं। तो यहाँ पे देखिए, 105 प्लस होने के बाद भी 0.01 से पिछड़े हुए हैं, जबकि जिन अभ्यर्थियों ने 97 या 98 लाए हैं वो गुणांक की वजह से आज सर्विस कर रहे हैं, जबकि 105 की वजह से हम बाहर हैं, ऐसा लिखा इन्होंने माननीय। तो ये रिट्वीट करते हुए लिखे हैं कई अभ्यर्थियों ने, इसमें यही बात कहा है कि जल्द से जल्द थर्ड काउंसलिंग कराई जाए, क्योंकि 105 से अधिक मार्क्स लाने के बावजूद भी वो बाहर है। वहीं विवादित प्रश्नों को लेकर के भी परीक्षा नियामक का घेराव किया गया है 69,000 भर्ती शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा। अंतिम उत्तर कुंजी में विवादित प्रश्नों पर निर्णय की मांग को लेकर के बुधवार को परीक्षार्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। परीक्षार्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई 2020 को उत्तर कुंजी से संबंधित सभी याचिका पर 2 महीने में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आने से परेशान अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्नों पर सभी परीक्षार्थियों को कॉमन अंक देकर उस पर निर्णय करने की मांग की है। बता दें आपको, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में कई लोग शामिल थे, जिसमें राहुल मिश्रा, रविंद्र यादव, धर्मेंद्र आदि थे। वहीं बड़ी संख्या में विद्यार्थी नहीं भर सके हैं अभी तक छात्रवृत्ति फार्म। वहीं छात्रवृत्ति आवेदन को लेकर के IIRT में हुआ हंगामा, छात्रों ने किया प्रदर्शन। वहीं सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय की छवि बिगाड़ी तो होगी कार्रवाई। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया पर अगर किसी ने विश्वविद्यालय की छवि बिगाड़ी तो कार्रवाई होगी। आपको बता दें, पिछले दिन विश्वविद्यालय पर कोई गाना वायरल होने की वजह से अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा था। ये है अध्यापक उपस्थिति प्रपत्र बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी। वहीं आपको बता दें कि एक केस फिर दाखिल, क्या नाम है, पुनः याचिका फिर दाखिल कर दिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में कटाप मामले में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनः विचार याचिका दाखिल कर दिया गया है शिक्षा मित्र के द्वारा, जो कि फैसला आने के बाद, जिस पर कटाप का 60-65 के पक्ष में फैसला आने के बाद दाखिल किया गया पुनर्विचार याचिका। अब यहाँ पर पुनर्विचार याचिका में क्या होता है? फैसला, वही बता दें, शासन स्तर पर होगा चयन का फैसला 69,000 शिक्षक भर्ती में। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा, 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले किसी अभ्यर्थी का चयन अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए के स्तर से निरस्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी बीएसए ने ऐसा कोई आदेश कर दिया तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इस मामले में अंतिम फैसला शासन स्तर से ही लिया जाएगा। यह बात उन्होंने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर धरना दे रहे अभ्यर्थियों से कही है। उन्होंने कहा, 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन करते समय मूल प्रमाण पत्र से ज्यादा अंक बनने के मामले में संबंधित जिला के बीएसए से रिपोर्ट मांगी गई है। इस प्रकरण में शासन स्तर पर एक एक केस पर विचार करके ही फैसला होगा। वहीं मानव विकास सूचकांक में एक पायदान फिसला, भारत 130वें स्थान पर आ गया है 189 देशों की सूची में।
जबकि 2019 में 129 स्थान पे था। पड़ोसी देशों में श्रीलंका 72, चीन 85, भूटान 129, जबकि बांग्लादेश 133 पे है। यानी श्रीलंका और चीन ही भारत से आगे हैं। नेपाल 142 है, म्यांमार 147 है, पाकिस्तान 154 है, जबकि अफगानिस्तान का 169 है। वहीं भारत की खेती से पूर्वी अफ्रीका में होती है बारिश। यहाँ पर रोचक खुलासा हुआ है कि भारत के किसान भूगर्भ से जो पानी निकालकर फसलें सींच रहे हैं उसकी बड़ी मात्रा भाप बनकर पूर्वी अफ्रीका पहुँच रही है। इससे यहाँ बारिश होती है। अगर भारत में भूगर्भीय जल खत्म हो गया तो इसका प्रभाव कई देशों पर पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए भारत के खेती से अफ्रीका में होती है बारिश। अच्छी बात है, सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें लक्ष्य से 4 साल आगे है भारत। कार्बन औसत में 19% कम उत्सर्जन कर रहे हैं हम। और अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया निम्नलिखित समय सारणी भी जारी कर दिया गया है, प्रेस नोट यहाँ पर। और यानी कल से इसका आवेदन भी शुरू हो जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने जारी किया आदेश, 30 दिसंबर को जारी होगा अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सूची। नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन का भी है इंतजार। तो ज्वाइन करने के बाद अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस देकर के बस स्पष्टीकरण दिया जाएगा, देना होगा कि क्यों नहीं उपस्थित हो रहे हैं। वहीं इससे पहले 154 शिक्षकों ने ज्वाइन कर लिया था, अब उनकी प्रतिदिन हाजिरी ली जाएगी। इसमें जो शिक्षक लगातार अनुपस्थित रहे हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा। इसमें बीएससी साहब के कहने के अनुसार वेतन बन रहा है, इसलिए कोई भी साथी बिना बताए अनुपस्थित ना हो। काम की अधिकता जी, हुजूरी से हुए तंग, अब प्राइमरी के गुरुजी बनकर करेंगे सेवा। तो सदर में देखिए तहसील में जो लेखपाल थे राकेश बहादुर, निदेश त्रिपाठी, गौरव श्रीवास्तव, ये सब इस्तीफा दे देकर अब शिक्षक की नौकरी सम्मानित है। लेखपाल पर काम का बोझ भी ज़्यादा, लेखपाल की नौकरी 24 घंटे के लिए, शिक्षक बनना ज़्यादा अच्छा समझा जा रहा है। विनय कुमार पाठक, और यहाँ पे देखिए सीतापुर निकाय में भी शामिल हैं होंगे 18 गांव के लेखपाल। सीतापुर निकाय में शामिल होंगे 18 गांव, तो 3 निकायों के यहाँ पर देखिए। लेकिन पटवारी की नौकरी से अब इस्तीफा देने का क्रम जो था वो तो खत्म हो चुका है, क्योंकि इन लोगों ने काम की अधिकता के कारण ही इस्तीफा दे करके शिक्षक भर्ती में शामिल हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक पाठशाला में नए भर्ती होने वाले शिक्षकों का वेतनमान, वार्षिक वेतन, प्रमोशन के बाद वेतन और महंगाई भत्ता कितना होता है, ये इसको देखते हैं। अनुक्रमण जो होता है ये है प्राथमिक 1 से 5 तक सहायता प्राप्त अध्यापक का वेतन 7वें वेतनमान से, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक के सहायक अध्यापक का वेतन 7वें वेतनमान से, वार्षिक वेतन उन्नयन, महंगाई भत्ता, चयन वेतनमान, प्रमोशन। मूल वेतन देखिए क्या होता है कि 35,400 रुपये, महंगाई भत्ता जो होता है जुलाई 2020 के अनुसार 17%, आवास भत्ता जो होता है 1340 अथवा 2020 के अनुसार 4,040 रुपया, और एनपीएस जो होता है यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम वेतन का 10%। जीआईएस यहाँ देखिए 87 रुपया। तो वेतन सूत्र सकल वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, आवास भत्ता जोड़ के कुल टोटल जो बनता है 42,758 रुपया। और आपको जो वेतन दे वेतन सकल वेतन कटौती के बाद जो मिलेगा आपको 42,758 में, तो कुल पड़ेगा आपका 38,395 रुपया। तो यहाँ पे देखिए कुल वेतन आपको मिलेगा 38,395 रुपये, आपके वेतन मिलेंगे, बनता कितना है 42,758 रुपया। और बात करें कक्षा 6 से 8 तक का वेतन, मूल वेतन है 44,900 रुपये, महंगाई भत्ता जोड़ लीजिए 17, आवास भत्ता जोड़ लीजिए 5,400 या 1840, पहले के अनुसार 1840, 2020 के अनुसार देखेंगे तो 5,400 रुपये पड़ेगा, 1840, 2760 और 5,400। एनपीएस वेतन का 10%, जीआईएस 87 रुपया, कुल जोड़ने पर वेतन का सूत्र जो निकला है सकल वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, आवास भत्ता जोड़ने के बाद कुल जो बन रहा है 54,373 रुपया। देते कितना है वेतन, यहाँ पर जो कुल वेतन प्राप्त होगा आपको 48,852 रुपया काटने के बाद, काट पीट के कुल 48,852 रुपये मिलेगा। जैसा कि वार्षिक वेतन उन्नयन या इंक्रीमेंट एक वित्त वर्ष में एक बार लगता है, 6वें वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों के वेतन में इंक्रीमेंट सिर्फ जुलाई माह में ही लगता था जो कि 3% होता है, परंतु 7वें वेतनमान में शिक्षकों को वित्त वर्ष के 2 समय जनवरी या जुलाई में किसी एक समय का चुनाव करना होता है। इंक्रीमेंट लगवाने के लिए नए वेतनमान में 3% की जगह फिक्स स्लैब बना दी गई है। इसमें कर्मचारी को ठीक ऊपर वाले स्लैब में भेज दिया जाता है जो कि उसका नया मूल वेतन हो जाता है। तो ये था प्राइमरी और जूनियर का वेतन मान।
शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए जो कि ज्वाइनिंग कर रहे थे उनके, जिनको नहीं पता था उनके लिए था। तो ये थी आज की वीडियो, पसंद आए लाइक सब्सक्राइब से कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।